हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग की? उम्मीद है हमारे वीडियो के संग पढ़ाई आपकी बहुत ही बिंदास चल रही होगी। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में लंब वृत्ताकार बेलन का कुछ एग्जाम्पल्स क्लियर किया था, जिससे हम लोगों का पूरा फॉर्मूला हो गया था क्रिस्टल क्लियर। आज हम लोग एक्सरसाइज का सम देखेंगे। आपके वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो बुक है उसका हम लोग सारा सम देखेंगे, हर एक सम देखेंगे। बेलन चैप्टर का एक भी सम मैं नहीं छोड़ूंगा, हर सवाल बताऊंगा आपको। बस लगन के साथ सीखते रहिए और सीख करके कुछ अच्छा कर लीजिए, वही मेरे लिए बहुत हो जाएगा। ठीक, तो आज का मैं क्लास शुरू करूं, उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। अगर आप लोगों का मैं एग्ज़ाम्पल्स का कुछ सम्स नहीं बताया हूँ, बोर्ड का एग्ज़ाम का बोर्ड का रूल है कि वो कहीं से भी समझ सकता है। बेलन चैप्टर अगर पूछ रहा है तो बेलन का वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देगा। एग्जाम्पल का कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। इसीलिए आप लोग एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल का भी हर एक सम बनाइएगा। हाँ, मैं कुछ सम्स नहीं बताया हूँ। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम में ऑल दो आपका सारा सम सॉल्व है तो आपको वहाँ से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी अगर कोई सम्स सॉल्व है, वो सॉल्व भी अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर उस क्वेश्चन के ऊपर पार्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, जिससे आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा। ऑलराइट, तो और एक्सरसाइज का आप लोग चिंता मत कीजिए, हर एक सम बताऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ओ, आप बोलोगे आप लोग कि सर आप बोले सारा बताइएगा, शुरू कर रहे 3 से, 1 और 2 कहाँ गया वो 1 2। क्या ही बताऊँ, चलो ठीक है बता देता हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन, 1 2 एक्चुअली है ही नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन के मैं उसको कैटेगरी में मानता ही नहीं हूँ। देखो क्या बोला है, बोला है बगल के चित्र में आपका, मैं आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड का बुक फॉलो करता हूँ, उसी को कराता हूँ। ये रहा आपका बुक, इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया बता रहा हूँ आपको। बोला है बगल के चित्र की घन वस्तु को देखे व निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखे। ये आप लोग मुझसे बता दीजिएगा, अगर मेरा पहला वीडियो घन ये बेलन का पहला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। क्या बोला है, चित्र में ठोस वस्तु है। चलिए मैं जो ये ठोस वस्तु दिया है जस्ट मैं इसके लिए बता दे रहा हूँ, वैसे बताने वाला टॉपिक था नहीं फिर भी, ये एक ठोस वस्तु है जो कि बेलन के आकार का है। बोला है इस चित्र ठोस वस्तु में डैश तल है। इसमें कितने तल है? इसमें 2 प्रकार के तल है, हाँ कि ना, एक है वक्र तल और दूसरा है समतल, है कि नहीं। तल कितने हैं? 2 है। अच्छा, दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो बॉक्स दिया हुआ है ना, बॉक्स के अंदर 2 लिख लीजिएगा। और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है चित्र की ठोस वस्तु में डैश वक्र तल व 2 डैश है। वक्र तल कितने हैं? पहले बोला डैश वक्र तल, तो जान लो वक्र तल कितना है, इसमें एक ही वक्र तल है। और फिर देखिए व 2 डैश हो सकता है, 2 डैश क्या है, इसमें 2 समतल है, 2 हमारा समतल है। बस आप यहाँ पे 2 का समतल हो सकता है, लिख दीजिए, काम खत्म। और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये मैंने आप पे छोड़ा, आप कर लीजिएगा। आप अपने घर के चारों बगल देखिए कौन कौन सा बेलन के आकार का ठोस वस्तु दिखता है, सबका नाम लिख डालिए, बस हो जाएगा काम खत्म। ठीक, चलिए इसको मिटाता हूँ। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, स्टील की पतली चादर द्वारा बने ढक्कन सहित एक ड्रम का व्यास 28 सेंटीमीटर है। ड्रम तैयार करने में यदि 2816 वर्ग सेंटीमीटर चादर लगी हो तो ड्रम की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए 2-3 चीज आप समझ लीजिए बेलन को चैप्टर को लेकर लिए, बेलन के चैप्टर के लिए क्या है वो चीज़, वो 3 चीज़ यहाँ पर ना यूनिट्स पे बड़ा खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि ना जो बोला है कि ड्रम तैयार करने में यदि इतना चादर लगी, अच्छा ऑल दो ये पतली चादर है, स्टील की चादर है, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ आप लोग समझिए, ये बेलन के आकार का है। ठीक है, चलिए ठीक है ना, ये हमारा बेलन है। ठीक, और बेलन के आकार का ही हमारा क्या है बाबू, ड्रम है। ठीक है, जिसके व्यास की लंबाई कितनी है, व्यास की लंबाई हमारा 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो
इसमें बोला है इसको तैयार करने में स्टील का जो चादर लगा है वो कितना लगा है, 2816 वर्ग सेंटीमीटर। जो तैयार करने में लगा है ना, इससे ना दो चीज़ हमको समझ आता है, एक तो आयतन वाला फीलिंग आता है इतना मात्रा में लगा है स्टील, और एक तो इसके समग्र तल का क्षेत्र वाला फीलिंग आएगा। अच्छा, समग्र तल में ना यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, हाँ ये ढक्कन सहित मतलब कि ऊपर में भी तल है, ऊपर में भी स्टील की चादर लगी हुई है, ठीक ना, पतली चादर स्टील की लगी हुई है, इस बात का ध्यान रहे। ओके, तो यहाँ पर ये जो आयतन और क्षेत्रफल को लेकर कन्फ्यूज़न है, तो इसका कन्फ्यूज़न आपका एक चुटकी में दूर हो जाएगा अगर आपको यूनिट्स का ज्ञान होगा। तो यूनिट्स मीन्स इकाई का अगर आपको ज्ञान है तो आप इजीली कर लीजिएगा। वर्ग इकाई में हमेशा क्षेत्रफल होता है, मैंने नोट दे कर ये बातें लिखवाई आपको, याद रखिएगा क्या है बात, वर्ग इकाई में केवल क्षेत्रफल होता है और घन इकाई में होता है हमारा आयतन। तो यहाँ पे वक्र तल दिया हुआ, ये सॉरी वर्ग इकाई दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है ना। और इस ड्रम को तैयार करने में हम लोगों का जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, कितना स्टील का पतला चादर लगा है, 2816 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इसके चादर कहाँ का लगेगा, इसके वक्र तल में, आधार में और ऊपर ढक्कन बनाने में भी। तो ओवरऑल इसका समग्र तल में इसका लगा हुआ है स्टील का पतला चादर, तो यानी कि ये जो क्षेत्रफल है उस बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल है। बात समझ में आ गया, तो बस अब कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला हम लोगों को पता होगा और पुट करेंगे और इस ड्रम की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। चलिए करके दिखाते हैं आपको, अगर बात समझ में आ गया तो वीडियो पॉज कीजिए यहीं पर और खुद से सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक, और नहीं तो देखिए क्या कह दिया हुआ है हम लोगों को, ड्रम का व्यास, अच्छा व्यास से तो हमको कोई काम है नहीं, और इधर निकाल लेंगे ड्रम का व्यास 28 सेंटीमीटर, इसलिए ड्रम का अर्धव्यास कितना हो जाएगा, 28/2 विच इज 14 सेंटीमीटर। बातें समझ आ गया ना, ये काट लो 14 आ गया, ठीक है ना, अर्धव्यास पता है। और मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ड्रम तैयार करने में लगा स्टील का पतला चादर, मैं स्टील का चादर लिख रहा हूँ, ड्रम तैयार करने में लगा चादर, हाँ लगा चादर, ठीक है, स्टील का पतला है वो समझ सबको आता है, स्टील का चादर है जो कितना है वो 2816 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। चलिए जल्दी जल्दी बताइए मेरे को, बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र तल का क्षेत्रफल प्लस दोनों आधार का क्षेत्रफल सबको मिला देंगे, फॉर्मूला हम लोगों का क्या निकल के आया था, 2πr×h+r। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद होना चाहिए, क्या है 2816, बस सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा, 2 पाई के वैल्यू बाबू 22/7 बचपन से होता है, आर हमारा अर्धव्यास है जो कितना निकला हुआ है 14, h+14 अर्धव्यास के जहाँ पे 2816। आगे इसको सॉल्व करूँ मैं तो क्या आ रहा है, 7 से कट जा रहा है 2 बार में, ठीक है, ये सब इनटू में उधर का सब डिवाइड में चला गया, तो अल्टीमेटली h+14=2816 डिवाइडेड बाई, देखिए 222 और ये 2, मैं गुणा कर सकता था, मेरे को यहाँ पे काटना ही है तो छोटा छोटा नंबर रहेगा तो काटने में आसानी रहेगा, इसलिए इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट पूरा ऐसे ही गुणा में भेज रहा हूँ, तो क्या हो जा रहा है 2×22×2 सब डिवाइड में चला गया, अब काटिए जैसा 2 से 2 × 2 × 2 = 8। देखिए बहुत अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, क्या 2 × 2 = 8 और इसको 2×8=16 काट देते हैं फटाफट, 2×8=16 सही तो है, गलत, वो काटने वक्त एक बार में एक ही डिजिट दे सकते हैं, अगर हमको दूसरा डिजिट का जरूरत पड़ रहा है तो दूसरा डिजिट बेशक यूज़ करो, बस एक तो 0 बैठा जहाँ पे, याद रहेगा बात, छोटी बात है पर मोटी बात है, याद रखनी पड़ेगी वरना गलती होगा और कोई रोक नहीं सकेगा आपको,
इसलिए इसको याद रखिएगा, काटने वक्त एक बार में एक डिजिट, ठीक। और अगर नहीं समझ आता तो डिवाइड देकर चेक कीजिएगा, मतलब है सवाल सही बनाने से। आप रफ यूज़ कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीचर को फर्क पड़ता है इससे कि आपका सम सही बन रहा है कि गलत, ठीक है ना। छोटा छोटा कैलकुलेशन है जो कि एरर हो ही जाता है। तो जहाँ जहाँ लगता है कि बच्चों का गलती होता है तो वो जगह पे मैं अच्छे से समझा देता हूँ ताकि ऐसा गलती आप लोग ना करें, ठीक। तो ये हम लोग का हो गया। और भी 2 से कट रहे हो, काटिए। 2 1 2, 2 7 14, 2 0 0, 2 4 8। अब 11 से काट दो, 11 2 22, 11 6 66, देखिए 76 ख़त्म, 4 बच रहा है, 4 और 4 मिल के बन गया 44, 11 4 44, 2 1 2, 2 3 6, 2 4। आ गया ना, क्या आया यहाँ देखिए जरा सा, h प्लस 14 इज इक्वल टू 32 आ गया। तो h निकालना, तो h हमारा ऊंचाई होता है। ओ, ऊंचाई मैंने नहीं दिखाया, लो अब दिखा देता हूँ क्या दिक्कत है। ये हमारा h है। अच्छा, कहीं मान लेना h हमारा बेलन का ऊंचाई है, ऐसा कहीं मान लेना, माना बेलन की ऊंचाई h, ठीक है। वरना सर टीचर लोग नंबर काटने के लिए बस जगह ही ढूंढता है। एच इज इक्वल टू क्या हो गया बाबू, 32 प्लस 14 हो जाएगा तो -14। उम्मीद है बातें समझ में आती है। तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 माइनस 14 आई थिंक सो 18, 18 से तो बता, हाँ ठीक ही है, एग्जैक्टली 18। और क्या हो गया, सेंटीमीटर सब है, तो ये सेंटीमीटर। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। छोटी है पर मोटी है, याद रखना पड़ेगा। मोटा तो कोई अगर से नहीं लग रहा, फिर भी ठीक है, याद रखना, ठीक ना। एच केवल कितना आ गया बाबू, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देना, अतः ड्रम की ऊंचाई कितना हो गया, अतः ये सर तो थोड़ा सा नंबर पाने का और कुछ नहीं, जरिया है। अतः ड्रम की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। टीचरों को अच्छा लगता है ये सब लाइन लिख करके, वो खुश होकर फुल मार्क्स देते हैं, तो खुश करने का ही तो काम है। देखिए समझ आ गया ना, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, नोट कीजिए इसको, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हम लोग। हाँ, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 बुक का। क्वेश्चन बोल रहा है, एक घर के बरामदे में 5.6 डेसीमीटर व्यास एवं 2.5 मीटर लंबा दो लंब वृत्ताकार खंभों की ढलाई करने में कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, ज्ञात करें। अच्छा, यहाँ पे इसका मन नहीं भरा है, और भी कुछ पूछा है। प्रति वर्ग मीटर 125 रुपये के हिसाब से दोनों खंभों को प्लास्टर करने में कितना खर्च पड़ेगा। क्वेश्चन इतना बड़ा देख के पहली बच्चे डर जाएंगे, और ऐसे वास्तव में क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, लेकिन समझना पड़ेगा कैसे। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, क्वेश्चन पहले समझिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी क्वेश्चन का एक्चुअल में सोल्यूशन क्या है ये जानना है आपको, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन को अच्छे से जानिए क्या बोला है, क्योंकि क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा आंसर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखते जाइए क्या है क्वेश्चन, क्या बोला है। घर के बरामदे में हमारा, ये सब घर के कहानी है, इसको छोड़ हटाओ। 5.6 डेसीमीटर व्यास, ये काम का बात। हमारा व्यास कितना है, 5.6 डेसीमीटर। जो भी लंब वृत्ताकार बेलन होगा, बेलन क्या करेगा, खंभा है हाँ, जिसका व्यास है हमारा 5.6 डेसीमीटर, और 2.5 मीटर वो लंबा है, ठीक है। दो लंब वृत्ताकार खंभा, अच्छा इस तरह का हम लोगों को कितना बनाना है खंभा, दो लंब वृत्ताकार खंभा बनाना है, और खंभों की ढलाई करने में कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा। ओह, पहले यहाँ तक देखते फिर इसको देखेंगे, है ना। कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, जो दो खंभा बनाया जाएगा उस खंभा को बनाने में कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये हम लोगों का एक खंभा, ये हमारा दूसरा खंभा, ऐसे ही रहेगा, सेम टू सेम का है ना। ये हमारा दो खंभा बनाया गया, थोड़ा छोटा मोटा पतला हो गया है, मोटू पतलू टाइप, लेकिन मत देखिए, सोचिए दोनों एक ही आकार का है ना। तो इस तरह का दो खंभा बनाने में पूछा मसाला कितना लगेगा, क्वेश्चन घुमा रहा है आपका दिमाग घुमाने के लिए। अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो जरा सोचिए और सोच कर देखिए, मसाला हमारे किस जगह पे लगेगा, इसके अंदर के पार्ट पे, मतलब कि इन्हीं सभी जगहों पे मसाला लगेगा, हाँ कि ना, मसाला इसी जगह पे, और इन सभी जगहों के जो जगह है उसको कैसे मापते हैं, आयतन से।
कैसे मापते हैं? आयतन से। तो क्वेश्चन में क्यों नहीं सीधे से पूछ लिया कि ये 5.6 डेसीमीटर व्यास, 2.5 मीटर ऊंचाई उसका, तो बताओ ऐसा आयतन कितना होगा? दो खंभों का आयतन कितना होगा? ऊंचाई नहीं, उसे तो दिया हुआ है, दो खंभों का आयतन कितना होगा? क्यों नहीं पूछ लिया? क्योंकि वो क्वेश्चन है, बोर्ड है, आप लोग क्लास 10 में हो, सीधा सीधा कुछ भी नहीं पूछेगा, थोड़ा सा तो ज़रूर घुमाएगा, लेकिन चिंता की बात नहीं है, हम लोग है ना घुमा को जो घुमा रहा है उसको सीधा करके फिर करेंगे काम, ठीक है ना। कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, कहने का मतलब इसका लगेगा कितना आयतन लगेगा। हम लोगों को आयतन निकालना है, एक का निकालेंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, एक का आयतन निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या? अर्धव्यास और ऊंचाई, यही तो चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान फरमाइएगा, आयतन हम लोगों को निकालना है घन डेसीमीटर में, घन डेसीमीटर में। तो हमारा सब कुछ जो जो है दिया हुआ, चाहे वो व्यास हो या ऊंचाई हो, सब डेसीमीटर में होना चाहिए, तभी आयतन जो आएगा घन डेसीमीटर में आएगा। चलिए हल देखा जाए इसका, क्या है इसका हल? मैं खंभा बोल रहा हूँ, खंभे के व्यास की लंबाई, खंभे का व्यास, साफ साफ बात, खंभे का व्यास कितना है? 5.6 डेसीमीटर, डीएम डेसीमीटर। अच्छा, व्यास से हमको तो काम नहीं, हमको अर्धव्यास चाहिए, इसलिए खंभे का अर्धव्यास पता करो आप लोग। 5.6 का आधा कितना हो जाएगा? 2.8 डिवाइड दे दो, 2 2 4, 2 8 16, 1 डिग्री के पहले डेसीमल है, 1 डिग्री के पहले डेसीमल यहाँ पे हो जाएगा, साफ साफ बात है 2.8 डेसीमीटर आपका आएगा इसका अर्धव्यास। ऊंचाई दिया हुआ कितना, एवं खंभे का ऊंचाई कितना है? ऊंचाई को एच बोल देता हूँ, अर्धव्यास को आर भी बोल देता हूँ, अच्छा सा हाँ, ऊंचाई कितना है? 2.5 मीटर। ओहो, ये खेल गया फिर हम लोगों के साथ, मीटर में दे दिया, हमको चाहिए डेसीमीटर में, कन्वर्ट कर लेंगे। यूनिट कन्वर्जन आप लोगों को आना चाहिए, जिनको नहीं आता है उन लोगों के लिए ये है, देख लो मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं ये बेलन को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ नीचे हो जाएगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये 7 यूनिट अगर आप याद कर लो तो किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखना बस, ऊपर जाने पर इनटू, नीचे आने पर डिवाइड, ठीक है, ऊपर जाते तो इनटू, नीचे आने पर डिवाइड करते हैं, क्या करना, हमको मीटर से डेसीमीटर में जाना है। ध्यान देने वाली बात, मीटर से डेसीमीटर ऊपर जा रहे हैं, मीटर से डेसीमीटर ऊपर जा रहे हैं, एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, 10 से हम लोग इनटू कर लेंगे, तो 2.5 में जब 10 से इनटू होगा तो हो जाएगा 25 डेसीमीटर। आगे हम लोग का ऊंचाई भी और अर्धव्यास भी दोनों डेसीमीटर में, अब जो आयतन आएगा वो भी डेसीमीटर में आएगा। सिंपल सिंपल घुमा के बोला है ना कितना मसाला लगेगा, हम भी लिखेंगे घुमा कर ही, बस करेंगे क्या, फॉर्मूला लगेंगे आयतन का। आयतन क्यों लगा रहे वो समझ में आना चाहिए, आयतन क्यों लगा रहे वो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मसाला उसके आयतन के जगह पे ही जाएगा, ये बात समझ में आना चाहिए, बाकी कहानी एकदम आसान है। तो एक खंभे में लगे आयतन, एक खंभे में लगे आयतन का मसाला लगे, लगा मसाला बराबर कितना मसाला लगेगा? पाई आर स्क्वायर एच बराबर मसाला लगेगा, आयतन का फॉर्मूला ये बताना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर 22/7, आर हम लोग का 2.8, जिसको मैं हक से 28/10 बोल सकता हूँ, बोलूँगा भी स्क्वायर है मतलब 2/2 में हो जाएगा 28/10, एच हम लोगों का 25 है डेसीमीटर में। अब बाबू काट कूट करो, 7 × 7, 7 × 4 = 28, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, और 5 × 5, 5 × 2 = 10, 2 × 2, और 2 × 2 ख़त्म, और कुछ बचा क्या? नहीं, बस सब खत कट गया नीचे से, आया क्या बाबू, मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा सा, 22 आया और 28 आया, बस 28 × 56, 56 और इंटू 11, 616, आई थिंक सो यही आएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ द राइट आंसर। रफ कर लूँ क्या, ज़्यादा चाहिए अपने को, अभी और कुछ निकालना है, ठीक है करते हैं, 28 × 56, 56 × 11,
हाँ 11 6 6 6 कैरी हो गया 6 11 5 15 55 और 6 61। हाँ ठीक है सही हो गया, यही आ गया है ना। तो हम लोग का ये मसाला है, मसाला यानी कि आयतन यानी कि इतना घन डेसीमीटर, ठीक है ना। ये हम लोगों का एक खम्भे में लगा मसाला है। इस तरीके का हमारे अपने घर के बरामदे में कितना खम्भा लगा रहे हैं बाबू? दो खम्भा, एक में लग रहा है 616 तो दो में कितना लगेगा? 1232। एकदम सही है, कर लेते हैं। इसलिए 2 खम्भे में लगे मसाले का आयतन, ठीक है। अब आयतन बोल ही देता हूँ, लाइनिंग बन चुका है। तो एक का पता है, दो का निकालना है बहू। बचपन से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, कितना हो जाएगा बहू आप लोग करके देखो। कितना हो? अभी तो बोलते 1232, 16 दून 32, 600 दून 1200, ठीक है। इतना घन डेसीमीटर, साफ साफ जवाब होगा आपका। अतः दोनों खम्भों को बनाने के लिए लगे मसाले का आयतन 1232 घन डेसीमीटर होगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हम लोगों का पहले सवाल का जवाब, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरे सवाल का। क्या पूछा है? प्रति वर्ग मीटर, अरे आयतन निकाला, अच्छा नहीं ठीक है ठीक है, हमको तो इसका ये करना है प्लास्टर ना। प्रति वर्ग मीटर 125 के हिसाब से दोनों खम्भों को प्लास्टर करने में कितना खर्च पड़ेगा? अब ये मज़ेदार चीज़ है, बोला है दोनों खम्भों का प्लास्टर। यहाँ पे कॉमन सेंस बहुत काम आएगा। सोचिए अगर ये खम्भा है, बिल्कुल खम्भे की तरह दिख रहा है ना, और खम्भा यानी कि एक तरफ पिलर की तरह जो हम लोग के घर के बरामदे में भी किसी ना किसी के होगा ही, तो आप उसको देखिए और उस पर हम लोग को प्लास्टर करना है। थोड़ा सा सोचिए प्लास्टर किस किस जगह पर होगा। प्लास्टर होगा केवल इसके वक्र तल में, ठीक है ना, केवल इसके वक्र तल में इसका प्लास्टर होगा। कुछ एक शरारती बच्चा आके बोला, सर इसका सिर्फ वक्र तल में क्यों, ऊपरी तल और नीचे तल में क्यों नहीं किया है? तो मैंने उसको बोला, बच्चे अपने घर के छत को उठा के फिर ऊपर प्लास्टर करेगा क्या? नीचे से उखाड़ करके फिर नीचे का प्लास्टर करेगा क्या? नीचे और ऊपर तो दीवार, नीचे घर का फर्श और ऊपर तो दीवार का छत है, घर का छत है ना, तो कहाँ से ऊपर और नीचे जगह प्लास्टर करने का? प्लास्टर बचा कहाँ है, जगह कहाँ पे प्लास्टर करने का? सिर्फ और सिर्फ इसके वक्र तल में। बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो इसका वक्र तल में, इसके वक्र तल में हमको प्लास्टर करना है और इसके दोनों के वक्र तल में, ठीक ना। तो वक्र तल का हम लोग को 125 हो गया ना, कुछ करना नहीं बाबू, हम लोग को पता कर लो कि दोनों का वक्र तल का क्षेत्रफल है कितना, मतलब कि कितने जगह में प्लास्टर करना है। बाकी तो पता है हमको 125 का हिसाब से करना है, लेकिन यहाँ पे देख लेना ध्यान से, प्रति वर्ग मीटर बोला है। हम लोग पहले तो निकाल लेते सबको डेसीमीटर में, अब क्या करो सबको मीटर में भी कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमको मीटर में चाहिए। जो हम लोगों को इसका वक्र तल का क्षेत्रफल चाहिए वो मीटर में चाहिए। तो यहाँ पे ऊंचाई तो खैर हमको मीटर में पता है 2.5 मीटर, अर्धव्यास भी मीटर में पता कर लेते हैं। डेसीमीटर से मीटर में जाना है, ध्यान दीजिए वापस उल्टा काम, डेसीमीटर से मीटर में एक स्टेप नीचे 10 से भाग, जब इसको 10 से भाग देंगे तो डेसीमीटर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.28 मीटर। उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई, ठीक। तो बस ये और ये हम लोगों को पता है, अब निकालिए। जगह नहीं है, पता तो है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंजूसी करके बना देता हूँ क्या, इसलिए एक खम्भे का वक्र तल का क्षेत्रफल, वक्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है ना, आधार की परिधि इंटू ऊंचाई 2πRh होता है हमारा फॉर्मूला। 2 तो 2 ही है, पाई हम लोग का 22/7 है, आर हम लोग का अर्धव्यास जो कि कितना है 0.28, जिसको मैं लिखूंगा सॉल्व करने की दृष्टि से 28/100 ताकि आसान हो हम लोगों का, इंटू एच, एच कितना है हाइट, ये तो 2.5 मीटर, जिसको मैं लिखूँगा 25/10, आप लोग को दिख रहा है ना, ठीक। तो कट कुट कीजिए और क्या, 7 से 7 4 28, 4 1 4, 4 से 100 करना 25 टाइम्स में, और ये 25, ये 25 कट गया, और अब कट तो रहा है ये 2 से 10, बट मैं काटूँगा नहीं, 10 रहेगा तो थोड़ा सा डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान रहेगा, तो इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। आगे
क्या हो गया, बचा क्या ऊपर, 2 और 22 और सब कट गया, 22 2 जा 44 बाई 10, साफ साफ शब्दों में 4.4 वर्ग मीटर। एक खंभे का क्षेत्रफल है, दो खंभे का 8.8 हो जाएगा। अब तो जगह नहीं मिटाना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग इसको ऊपर से नोट कर लीजिएगा। हाँ मैं मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन मिटा दूँ? हाँ क्वेश्चन तो आप लोग देख लीजिए, इतना भी मैं सॉल्व कर दूँगा, डायग्राम रहने देता हूँ समझ आने के बाद, इतना मैं सॉल्व कर लूँगा। देखिए क्या इसके बाद देखिए, हाँ तो एक खंभे का वक्रतल का क्षेत्रफल कितना है, 4.4 मीटर, इसलिए अरे यार क्या पता नहीं क्या उड़ रहा है, ठीक है, इसलिए एक खंभे ना, तो इसलिए दो खंभे का वक्रतल कितना आ जाएगा, दो या दोनों लिख दो, अच्छा लग रहा है, दोनों खंभों का वक्रतल का क्षेत्रफल 2 × 4.4 इंटू कर लीजिए बाबू 8.8 वर्ग मीटर आ जाएगा आपका। अच्छा मैं यहाँ पे वर्ग मीटर में पता नहीं क्यों लिख पा रहा हूँ, मैं सबको मीटर में कन्वर्ट करके और मीटर वाला ही वैल्यू लिया, डेसी मीटर वाला नहीं बैठाया हूँ। ऊंचाई के लिए मैं 2.5 बैठाया हूँ और अर्धव्यास के लिए मैं 0.28 मीटर बैठाया हूँ, इसलिए 28 100 आया था। बाकी आप लोग समझदार हो, देख लीजिए, ठीक है ना, 8.8 वर्ग मीटर हम लोग का दोनों खंभों का आ गया, मतलब ये हम लोगों को इसके दोनों खंभों के वक्रतल में जो क्षेत्रफल, वक्रतल में जो प्लास्टर करना है वो प्लास्टर कितनी जगह पे करना है, दोनों खंभों का मिला के 8.8 वर्ग मीटर पे। और क्वेश्चन बोला था एक वर्ग मीटर में 125 रुपया, प्रति वर्ग मीटर 125 रुपया, अगर एक वर्ग मीटर में 125 बताया तो 8.8 वर्ग मीटर में कितना होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड सोच लीजिए, इसलिए दोनों खंभों पे प्लास्टर करने का खर्च कितना है, 125 × 8.8 है ना, अब कीजिए जरा सा कितना आएगा, ठीक है इसको 10 करते हैं सॉल्व करने वाला, 5 × 10 5 × 10 5 × 25 2 × 2 44 बार में कट गया, अब 44 को इस इंटू करते कितना आ जाएगा, हाँ मेरे ख्याल से 24 4 25 4 100 0 10 कैरी 25 4 100 और 10 110 इतना रुपया आ गया, 1100 रुपीज़ इसका आएगा, दोनों खंभों पे प्लास्टर करने का खर्च इतना रुपया हमारा आंसर, ये एक आंसर और दोनों खंभों में लगाने का आयतन ये रहा, ये हमारा दूसरा आंसर। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक, तो चलिए आप लोग, मेरे पास जगह का कमी हो गया इसलिए मैं यहाँ के बाद से यहाँ किया हूँ, आप लोग इसके बाद ये वाला कीजिएगा नीचे में, ठीक है ना, चलिए ठीक, इसके बाद ये नोट कीजिए, उसके बाद दूसरा सब देखेंगे हम लोग फटाफट। तो ये देखिए आपका परीक्षण कर देखिए 8 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। ये क्या है, बोला है क्वेश्चन, 2.5 डेसीमीटर आंतरिक व्यास वाले एवं 7.5 डेसीमीटर लंबे एक ज्वलनशील गैस सिलेंडर में 15.015 केजी गैस रहने पर प्रति घन डेसीमीटर गैस का वजन कितना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बस थोड़ा सा इमेजिनेशन का जरूरत है, यहाँ पे कुछ लंब वृत्ताकार बेलन का बात तो कहा नहीं गया है, बट हम लोग अपने घरों में देखते हैं जो गैस सिलेंडर आता है जिसपे खाना पकता है वो किस आकार का होता है, एक जाहिर सा बात है सिलेंडर के आकार का ही होता है, लंब वृत्ताकार बेलन के आकार का ही होता है ना, ठीक बना देता हूँ देखते जाइए, है ना, ये हम लोगों का सोचिए गैस है, इसके अंदर पूरा गैस फिल है, पूरा भरा पड़ा है, मस्त आवाज आ रहा है ना, ये पूरा गैस है, ये सब क्या है हम लोगों का गैस, ठीक ना, और क्या दिया हुआ है इस गैस में, जो दिया हुआ है इसको मैं इसके लिख देता हूँ वाइट चौक से, क्या दिया हुआ है इसका आंतरिक व्यास वाले कितना, 2.5 मीटर 2.5 डेसीमीटर,
इसका व्यास कितना दिया हुआ है? आंतरिक व्यास। आंतरिक क्यों दिया मैं तुमको थोड़ी देर बता रहा हूँ, थोड़ी देर में बता रहा हूँ। 2.5 डेसीमीटर इसका व्यास है। और ये लंबा कितना है? लंबा यानी कि इसका लंबाई से बोला गया है, यानी कि आप लोग को ये ऊंचाई कह रहा है। ये कितना ऊंचाई दिया है इसका? अरे भाई 7.5 डेसीमीटर ये लंबा है। अब देखिए डायग्राम तो बड़ा मस्त बन गया है, अब देखिए ध्यान से। ये हम लोग का व्यास है, ये इतना लंबा है और इसके अंदर में गैस है। आंतरिक व्यास या फिर लंबाई ऐसा अंदर का क्यों दिया हुआ है? क्योंकि गैस रहेगा कहाँ पे? बाहरी तल में रहेगा क्या? गैस रहेगा उस सिलेंडर के अंदर। अच्छा, अगर हमको हम उस सिलेंडर का चूँकि व्यास दिया हुआ है और सिलेंडर का ऊंचाई दिया हुआ है, अगर हम लोग उस सिलेंडर का आंतरिक आयतन निकाल लें तो क्या हम लोगों को उस गैस का भी आयतन पता चल जाएगा? अरे हाँ, बिल्कुल पता चल जाएगा। कैसे? हम लोग उस सिलेंडर के अंदर का आयतन निकाल लें और उसी जगह पे तो गैस है, तो सिलेंडर का आयतन जो आएगा वही गैस का आयतन होगा। गैस का यही तो प्रॉपर्टी है, उसको जिस कंटेनर में रखो वो उसका शेप उसका वॉल्यूम का हो जाता है, ठीक है ना? सिंपल चीज़ यही है। तो हाँ, मात्रा सेम रहना चाहिए, वो सब फिजिक्स का अलग प्रॉपर्टी आ गया। खैर, हम लोग यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग इस सिलेंडर का आयतन निकाल ले तो इस पूरे गैस का आयतन निकल जाएगा, क्योंकि इस सिलेंडर के अंदर ही अभी ये सारा गैस भरा पड़ा है, ठीक है ना? तो चलिए सिलेंडर का आयतन निकालते हैं, साथ ही साथ गैस का आयतन हमको पता चलेगा। उसके बाद जो कैसे पता करेंगे देखते जाइए। इसका सॉल्यूशन जो दिया हुआ पहले इन्फॉर्मेशन दे दें क्या? सिलेंडर का आंतरिक व्यास, सिलेंडर का आंतरिक व्यास कितना है? 2.5 डेसीमीटर। तो व्यास से काम कुछ है नहीं, निकाल लो हमेशा की तरह अर्ध व्यास, बाबू 2.5/2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करूँ क्या थोड़ा सा? 25/20 देखिए, 2 डेसिमल के लिए 10 है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 मिल गया। बातें समझ में आती होगी। तो हम लोगों का अर्धव्यास आ गया, सॉल्व कर लूँ, ठीक है लास्ट में कर लेंगे। क्या है और सिलेंडर का अर्धव्यास? तो यही है, लंबाई में कोई त्रुटि नहीं है, दे दो। एवं सिलेंडर की ऊंचाई कितनी है? सिलेंडर का ऊंचाई 7.5 डेसीमीटर, ठीक है। ऊंचाई पर बोल दो, ये हर बार मैं भूल जा रहा हूँ। आप लोग अगर मैं भूल जाता आप लोग दे दीजिएगा अर्धव्यास ये सब, तो आपको सही होगा। ऊंचाई हम लोग का इतना हो गया। तो चलिए सिलेंडर का आयतन, इसलिए सिलेंडर ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो एक ही बात है, मेरे को अभी याद आया, बुक तो बेचारा ऐसे लिख रखा है। सिलेंडर का आयतन तो कितना होगा? आयतन का फॉर्मूला एकदम इजी है, क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व कीजिए जरा फटाफट। पाई 22/7, अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आर स्क्वायर, आर कितना है? अर्धव्यास ये रहा 25/20, दो बार लिख दो, स्क्वायर है चूँकि 25/20 × 25/20 इंटू एच ऊंचाई कितना है? 7.5, जिसको मैं 75/10 लिखूंगा, भाई सॉल्व करने में आसान होगा, ठीक है ना? लिख सकते हैं, पता होगा आप लोगों को, बेसिक रूल है। अब का करा जाए? काटा जाए और क्या, वही 7 से कुछ भी नहीं कट रहा है। ओह, कट जाता तो अच्छा लगता, खैर नहीं कट रहा तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ और बोला नहीं ना बुक में। ठीक है यही दिया भाई। ओ बाबू आ लोग, हाँ। मैं क्वेश्चन गलत बता दिया हूँ, यहाँ पे 2.8 डेसीमीटर है आंतरिक व्यास। जब 2.8 डेसीमीटर होगा तो यहाँ पे 2.8 होगा, तो यहाँ पे 28/20 हो जाएगा। देख रहा हूँ मेरा कलाकारी, यहाँ पे 28, यहाँ पे 28, हाँ ठीक है ना? ठीक चलो सही हो गया। 7/7 7/4 28, देखो खटाने के चक्कर में मैं देख लिया क्वेश्चन, मैंने सब सही देखा हो ना? हाँ एकदम सही है, 5 में 2.8 ही दिया हुआ है ना? ठीक, 7/4 28 और
4×4 काटते हैं, 4×5 20 और 5 से काटोगे ये 75 कटेगा, 5×5 2 बचा है, 5×5 25 और क्या बच रहा है, हाँ काटो भाई, 5×3 15 5×4 20 4×4 4×7 28 और कुछ देखो 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 जल्दी जल्दी, हाँ 2 से ये कट जाएगा 5×5 से और ऊपर कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, क्या क्या बचा, 22 बचा है, 7 बचा है और 3 बचा है, हाँ अब नहीं काटूंगा, काटूंगा ही नहीं, 10 है रहन देंगे, करो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 22×7 154 154 3 आई डोंट नो, अरे किसी को नहीं पता है, कर लो मल्टीप्लाई 154×3 ठीक है ना, 22×7 154 ठीक है, 3×4 कितना होगा 12 2×1 कैडी हो गया, 3×5 15 1 16 का 6 कैडी 1 3×3 और 1 4 ठीक है यही आएगा, 4×3 12 हाँ ठीक है, हाँ तो कितना आ गया ऊपर आ गया 462×10 ये क्या आया सब आयतन, आयतन आ गया सब डेसीमीटर में था, इतना घन डेसीमीटर आ गया, चलिए ये हमारे उस सिलेंडर का आंतरिक आयतन आ गया, सिलेंडर का आंतरिक आयतन मीन्स गैस का आयतन, ठीक 46.2 लिख दूं क्या, लिख दीजिए 46.2 अच्छा लग रहा है देखने में, घन डेसीमीटर, हाँ घन लगाना मत भूलना, वहाँ पे थोड़ा घन में दिख रहा है लेकिन समझ दो, ओके तो अच्छा इसलिए गैस का भी आयतन कितना हो जाएगा, गैस का आयतन कितना होगा 46.2 घन डेसीमीटर है ना, इसलिए ओके अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैं गैस का आयतन क्यों निकाल रहा था ये बता दूं, देखिए क्या पूछा हमसे, एक प्रति घन डेसीमीटर गैस का वजन कितना है, प्रति घन डेसीमीटर गैस का वजन कितना है, मतलब कि हर एक घन डेसीमीटर गैस का वजन कितना आएगा वो बताना है हमको, तो बहुत ही सिंपल है, पूरे गैस का वजन हमको पता है, पूरे गैस का वजन पता है और पूरे गैस का वजन पता है तो पूरे गैस का आयतन भी हमको पता होना चाहिए था ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ, इसी वजह से हम लोगों ने पूरे गैस का आयतन निकाला, कैसे पूरे गैस का आयतन निकाला, पूरे सिलेंडर का आयतन निकाल कर, क्योंकि सिलेंडर का आयतन जो होगा वही गैस का आयतन होगा क्योंकि उस गैस को उस सिलेंडर के अंदर ही रखा गया है, बातें समझ में आ गई ना, तो मैं इसको लिख दूँ ऐसे, इसलिए 46.2 घन डेसीमीटर गैस का वजन 15.01 kg, इसलिए 46.2 घन डेसीमीटर गैस का वजन ठीक है ना, कितना बाबू 15.015 kg, हमसे पूछा है प्रति घन डेसीमीटर का यानी कि एक घन डेसीमीटर का, आप एक घन डेसीमीटर का निकालो, ये सिंपल बाबू यूनिटरी मेथड लगाओ ऐसा, इसलिए इसलिए एक घन डेसीमीटर गैस का वजन इतना का पता, एक का निकाला है ये डिवाइड में चला जाएगा 15.015 by 46.2 ठीक है ना, अब कर लो सॉल्व बाबू, कुछ करना नहीं है, सॉल्व करा जाए, डेसिमल हटाया बाबू, डेसिमल के लिए 1000 आ गया वो नीचे में, डेसिमल में क्या है ना सॉल्व अच्छे से होता नहीं है इसे डेसिमल हटा देता हूँ, डेसिमल हटाओ, नीचे से डेसिमल हटता है ऊपर जाता है, ऊपर चढ़ता है तो नीचे आता है, सेम कहानी है, समझ गए होगे आप लोग, तो क्या आया, पहले 0 0 काटो और ओह इतना बड़ा नंबर काटते हैं, कुछ नहीं मेंसुरेशन है करना पड़ेगा, किसे कट रहा है ये तो किसी से नहीं कट रहा है अभी ईद के लिए, बाद में कटेगा अभी नहीं काटो, अब इसको काटो पहले, 5 से कट रहा है, 5 से ये कटेगा 21 में, 5 से ये कटेगा 5×3 15 0 फिर 5×3 15 वो जगह कमी है ठीक है समझ लोगे आप लोग, काटना ही तो है, अब अरे सही है 15.015 kg, हाँ ये तो सही है 5×3 15 0 ओ देखो जो मैं आप लोगों को बोला था गलती करने का मैं ही कर गया हूँ, यहाँ लिखता हूँ देखिए 5×3 15 एक ठीक है दूसरा लेंगे तो भी छोटा होगा, ये 0 लेके ये 1 तक तो ले लिए अभी भी छोटा है, और 5 लेना एक और 0 देना होगा 5×3 15 हाँ अब किससे काटे 3×3 6 2×3 से कट जाएगा ये कट जाएगा 3 से 4 हाँ 3 से कट जाएगा, करो 3×3 3×15 3×4 12
फिर से इसको काटो, 3 × 3 0 0 3 × 3। अब कैसे काटे, 11 से कट जाएगा ये भी। हाँ 11 × 11 4 बच रहा है, वो 4 × 4 = 44, 11 × 4 = 44। 11 इसको काटो, देखिए 100 है, 11 × 99 100 से 99 खत्म हुआ, बचा 1, 1 और 1 मिलकर बन गया 11, 11 × 11। अब किससे काटा जाए, 7 से कट जा रहा है, 7 × 2 = 14, 7 से कटेगा, 7 × 7 2 बचा, 7 × 3 = 21 13 बच में। अब तो कुछ भी नहीं कट रहा है, ठीक है बाबू नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, 13/40 kg, ऐसा kg पसंद नहीं आया मुझे, 13/40 आया, ग्राम में कन्वर्ट कर दो, कुछ करना नहीं होगा। और kg को ग्राम में तो बचपन से करते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में 1000, 13/40 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, kg ग्राम में बदल जाएगा आपका। करिए 0 से 0 ख़त्म, 4 से 100 ख़त्म, 25 बार में 25/13 का मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, जो आएगा ग्राम में आएगा बाबू। ये देख लो यहाँ पे लिख दिया, और जो जी फॉर ग्राम करो, 25 × 3 = 75 का 5 7 कैडी, 25 × 1 = 25, 25 × 7 = 32, 325 ग्राम इज आवर आंसर। यानी कि प्रति घंटे सीमीटर गैस का वजन कितना है, 325 ग्राम। बाबू ये सब तो खाली कैलकुलेशन है, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, मेन है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या है कॉन्सेप्ट, गैस का आयतन हम लोगों ने निकाला और पूरे गैस का वजन दिया हुआ था, इतना गैस पूरा है, इतना है पूरे गैस का वजन, यानी कि इतना घन डेसीमीटर गैस का वजन इतना, तो एक का कितना, सिंपल है, निकाल लोगे आप लोग, बाकी कैलकुलेशन आप लोग देख लो, ठीक। तो फटाफट नोट करो, उसको नेक्स्ट सम देखें। तो बस इसी तरीके से करते रहिए सम्स, घर पे मस्ती से बनाते रहिए सम्स, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा आप लोगों से और नए नए सम्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, वेरी ऑल द बेस्ट, और घर पे मन लगा के बेलन चैप्टर का जितने भी सम्स है उसको सॉल्व करते रहिए, ठीक। बाय बाय।